अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर रेशमा के चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। 300 रुपीज किलो, 300 स्वल्प दौड़ दिलवा चेनाम दौड़दे ऐसे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चलिए एक नए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। कल आपको मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि बड़ी अम्मा की तबीयत ख़राब हो गई थी ना, तो देखिए यहाँ पर इडली काटा कल रात को पीसीन सब विदाउट छोड़ा। तो कल मैं आटे का आपको मेजरमेंट दिखाऊंगी बोली थी, लेकिन बड़ी अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी उस टाइम पर, मैं बहुत टेंशन में थी, तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको मेजरमेंट नहीं दिखाई हूँ मेरी टू फैमिली, इंशाल्लाह नेक्स्ट बार। तो यहाँ पर देखिए हमारी दही, हर रोज़ दही तो हमें रोज़ बनाती, तो फर्स्ट क्या करती हूँ मैं, नीचे पानी रखती हूँ, उसके ऊपर दही दाल को रखती हूँ। तो चलिए अभी 7 बज रहे हैं, सुबह के नाश्ता बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए चटनी पूड़ी बना रही हूँ, इडली के ऊपर डालती ना होम मेड, मैं ही बनाती हूँ। पर मैं नाश्ता बना रही हूँ, ये बना रही हूँ चटनी पूड़ी इडली के साथ, बहुत टेस्टी रहती है। ऊपर घी दाल को खाने से इडली एक खाने वाले 4 खा लेती, तो मैं रेडीमेड तो बिल्कुल नहीं लेती। यहाँ पर देखिए इंशाल्लाह ये 2 किलो का ऑर्डर है, उस टाइम पर आपको मैं रेसिपी दिखाऊंगी, साथ में यहाँ पर थोड़ी सी अमली भी डाल डालेंगे। अच्छी तरह से इसे गरम करेंगे, भुनना नहीं है, भुन को काला नहीं बनाना है, सिर्फ लाल गरम करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं सोची नेक्स्ट ऑर्डर है ना, उसके टाइम पर आपको रेसिपी दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर इडली चटनी पूरी बनके तैयार है, माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। देखिए यहाँ पर चटनी पूरी बनके तैयार है, आप आराम से 1 महीना स्टोर करके खा सकते हैं फ्रेश। तो चलिए सांभर भी बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बॉम्बे चटनी, तो इसमें डाली हूँ लहसुन, जीरा, करेपाक और प्याज राया, अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और साथ में 2 टमाटर, हरे मिर्चा। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बॉम्बे चटनी इडली के साथ खाने के लिए, तो ये एक रकम सा सांभर के जैसा होता है। बॉम्बे चटनी बहुत टेस्टी रहती है सिंपल से, और चटनी भी पीसेंगे, देखेंगे क्या बनाती हूँ। दो स्पून बेसन कटाइए, थोड़ा सा पानी बना डालेंगे, इडलियाँ को बहुत टेस्टी रहता है ऐसा बॉम्बे चटनी, और थोड़ा पानी डालेंगे इसमें, पकना ना ये कच्ची खुशबू जाने तक। तो साथ साथ में नमक भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर इडलियाँ भी बनाएंगे, कल मैं ही कपड़े धोती थी, नीचे आई लंच बनाने के लिए, कपड़े धोई नहीं, कहाँ हॉस्पिटल गए ना बढ़िया अम्मा बुला ले को, तो अभी इमरजेंसी वार्ड में छी उन्हों ICU में रही। चाक को फर्स्ट नाश्ता कर ले, 7 बज रही हम सुबह के, कपड़े धोता लाल का ना, तो इसे अच्छी तरह से पकने दी। तो यहाँ पर देखिए चटनी हमारी बॉम्बे चटनी तैयार हो रही है, इडली को बहुत टेस्टी रहती है, आंध्रा तरफ ज़्यादा बॉम्बे चटनी इडली, ये नहीं तो इडली खाते नहीं हूँ। सिंपल भी है और देखने दे रखता है, बेसन के 2 स्पून से कैसी चटनी बना सकती है हमें, अच्छी तरह से अभी पकेंगे, तब तक इडली बनती तब तक। तो अभी हम कोरिएंडर भी डाल देंगे, ज़र्रा पतली बनाना है ये इडली में खाने। स्लो आंच में पकते रहने, पकाती हूँ तो पानी ऐसा उबलना, 7 घंटे 50 पर डोला जाए, आधा घंटा लेट हो गया नाश्ते को आज हमारे।
बिस्मिल्लाह, तब एक 5 मिनट में पक जाती है। तो यहाँ पर हमें चाय भी बन रही है, चाक पत्ता भी डाल देंगे। परसों है ना एकदम से खुशबू आ गई थी चाक पत्ते में, बिल्कुल चाय पिए जैसा नहीं थी। फिर चाकू में दूसरी ले लेकर, ये परसों मंगाई थी तो मालूम नहीं है, नेचुरली चलाती हूँ मैं, ये कैसा आ गया मालूम नहीं। फिर जाको वो अच्छी नहीं करके ये ले ले कहीं कल, ताजमहल नेचुरल है। रत्ती खुशबू होगी तो मैं चाय नहीं पी सकती। तो यहाँ पर देखिए हमारा नाश्ता बनके तैयार है, एकदम सॉफ्ट स्पंजी इडली। सॉरी मैं कल इसका बैटर आपको नहीं दिखा सकी, बड़ी अम्मा की बहुत तबीयत ख़राब होगी, बिल्कुल चले गई थी। तो अभी इसमें क्या करेंगे, इडली डिप करके खाएंगे। इसको अभी ऑर्डर है मेरे पास, उसे भी कंप्लीट करते ना तब पूरी रेसिपी आपको दिखाऊंगी। मुझे है ना इडली पूरी खाने इस तरह से अच्छा लगता है, ज़्यादा इसके ऊपर डालना चटनी नहीं तो भी परवाह नहीं, मेरा फेवरेट है। तो इसके ऊपर ज़्यादा गरम घी डालना चटनी के ऊपर, बहुत टेस्टी बनता है। चटनी नहीं तो भी परवाह नहीं, सांभर नहीं तो भी परवाह नहीं, मुझे ऐसा खाना अच्छा लगता है। अच्छी है इडली पूरी, हाँ टेस्ट है। तो सिर्फ इसे इडली को तोड़ना, बिस्मिल्लाह। रेडीमेड से तो अच्छी है, कंपेयर ही नहीं कर सकते उसी है। आइए मेरी टू फैमिली नाश्ता करेंगे, अभी मैं ही नाश्ता कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए अभी 8 बज रहे, 20 लाख लेट हो गए। चलिए बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। नाश्ता करने के बाद कपड़े थे, कपड़े धो को उसके बाद खाना गिना खा ले को, पानी तो बिल्कुल नहीं आता। अभी बज रहे हैं 5, तो अभी जा रही हूँ मैं, कहाँ जा रही हूँ मोमो हमें, मैसूर सैंडल फैक्ट्री को। तो आप भी चलिए, बहुत पूछ रहे थे कहाँ पर है बोल को। तो अभी आ गई हूँ मैं एशनपुर मैसूर सैंडल फैक्ट्री, बर्तन वॉश करने का ऑयल मैं यहीं से लेती हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं, वीडियो तो ज़्यादा यहाँ पर बनाने नहीं देते, अलाउ नहीं है, फिर भी आपके लिए थोड़े से क्लिप शूट करी हूँ यहाँ पर, क्योंकि मालूम नहीं अलाउ नहीं करते। मेन ये होना था, मोमो तो परसों ऑयल ला लिए थे। ये हमारा ऑयल अब एक ले लेंगे, मोमो अब एक ले लेंगे बॉटल। तो घर में तो था, मैं सोची कि आप आई हूँ तो अब एक ले लेंगे ऑयल, एक्स्ट्रा रह गया तो भी कोई बात नहीं, बार बार आने नहीं होता, हो गया था। उसके बाद अभी जा रही हूँ मैं एशनपुर मार्केट। तो अभी हम आए गए एशनपुर, तो मैं तो एशनपुर से कौन कौन मेरा वीडियो देखते हैं ज़रूर कमेंट्स में डालिए। कौन सा एरिया आजम साहब, ये एशनपुर सीएमसी। तो फ्रीडम ऑयल ले लेंगे 1000 कितना, 1000। तो फ्रीडम ऑयल यूज़ करती हूँ मैं, इसलिए यहाँ पर परमिशन लेके बना रही हूँ। तो देखिए ये सारा बैटरी, तो जब भी मैं जाती हूँ एशनपुर तो जो कुछ चाहिए ज़रूरत की चीज़ें, अगर एक्स्ट्रा घर में रहते भी और भी मैं ले लेती हूँ, क्योंकि दूर जा नहीं सकते बार बार बोल को। तो फिर आ गई मैं गरम मसाले का, जो कुछ भी आइटम चाहिए वो लेने के वास्ते। आज बहुत ज़्यादा मेरी यूट्यूब फैमिली सिस्टर से बहुत ज़्यादा फ़ोन आए थे, तब मैं थी श्रीरामपुर में एशनपुर में, इसीलिए आपसे ज़्यादा बात नहीं हुई, क्योंकि मेरे ऑर्डर्स भी कम्प्लीट करना है मुझे। तो कल तो मैं कुछ नहीं करी, आज से शुरुआत करना है। तो ज़्यादा दिन मैं नहीं रख लेती किसी का भी ऑर्डर ली तो, एक दिन पहले ही भेज डालती हूँ, क्योंकि मेरे पास जिम्मेदारी होती है। वीक डेज में थोड़ा सा रश कम रहता है, तो यहाँ पर हम आ गए थे। सारे खड़े मसाले चाहिए था मुझे, क्योंकि मेरे पास बिरयानी मसाले का बहुत ज़्यादा ऑर्डर था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह
तो इसीलिए यहाँ पर आई हूँ मसाले लेने के लिए। ऊटी जाना था तो ऊटी को नहीं गई मैं, क्योंकि अभी बड़ी अम्मा देखती हूँ उनकी तबीयत कैसी रहती है, देख के उसके बाद मैं जाऊँगी ऊटी मसाले लाने के लिए। इस बार जाएंगे बोल के सोची थी, कल बड़ी अम्मा की तबीयत ख़राब हो गई थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यूट्यूब फैमिली बड़ी अम्मा के वास्ते बहुत ज़्यादा दुआ करे, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बड़ी अम्मा की तबीयत में थोड़ा बहुत सुधार है, ICU में है उन्होंने, इंशाल्लाह कल उनका रिपोर्ट क्या आता है देख के बोलूँगी। तो और यहाँ पर मैं ले लूँगी सारे मसाले, मैं आपको भी बोली थी ऊटी जाने के टाइम पर आपको बोलूँगी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं आपको भी ला के देना है बोल कर। तो मैं सोची थी कि इस वारे में जाएंगे लेकिन नेक्स्ट वारे में इंशाल्लाह। तो चलिए अभी गरम मसाले के लिए क्या क्या हो ना वो सब कुछ लिखाई हूँ, तो जब तक मैं यहाँ पर क्या क्या है सब कुछ देखूँगी। सारे खड़े मसाले का पैकिंग हो चुका है, निकले मोमो बिल्ली डाले तो क्या भी नहीं कर सकते मेरी तो फैमिली। जब भी टाइम रहता है घर का काम सारा ख़त्म करने के बाद ये भी देखना पड़ता है, काम तो बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह करते करते सब कुछ। बाहर आने से सब कुछ लेके मैं घर जाके एक ही बार शुरुआत कर लेती हूँ। तो देखिए मेन मार्केट है नारल अंकल, नारल 340 रुपये, लहसुन क्या लहसुन का मूल देने दिन को बढ़ता चल रहा है, कम तो नहीं हो रहा है। एशियन फूड का देखिए यहाँ पर ऐसा क्लीन करके रखे रहते हैं सो, नहीं कह रहे मोमो। आलू प्याज सब भी यहाँ होल सेल यानी कि दुकानों को बेचते हैं यहाँ से, तो राशन विशन सब यहाँ मुझे बड़ा पसंद है। सब भी एक ही जगह मिल रहा है एकदम फ्रेश। सब जिन्हें बोलती तो मैं कहीं कहती दूर जाती हूँ घर को, एकदम फ्रेश रोज़ रोज़ खाली होता है सो यहाँ। चलिए यहाँ पर देखते हैं प्याज का मूल कैसा है। रुपीस किलो इतू नाचते ना ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಇದು ಹೆಂಗೆ 300 ರುಪೀಸ್ ಕಿಲೋ, 300 ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿಲ್ವಾ, ಚೆನ್ನಾಗೈತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡದೇ ಐತೆ. ಹ್ಞೂ ಬೇಡ ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ತಿನ್ನಣ್ಣ, 300 ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಮಟನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ 100 ರುಪಾಯಿ. तो शाम के 6 बज रहे हैं तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पर। क्या दस रुपये अंजु कुड़ो वर्दी अंजु वर्दी पत् रुपये मून वो 10 रुपये 4 या 3 कते इतना तो समझ में आता मुझे, 20 रुपये को अयो। तो यशनपुर का मार्केट देखिए यहाँ पर सब्जी से बहुत यहाँ चाक्षण पुकारती सो, तरकारी वाले जो भी बेचने ले लगाती घर के पास यहाँ से ले लगाती सो एक्शन पुकारती। पुप्पो तुम ना कहते लैंग्वेज आती, मैक्सिमम 4 से 5। तो साथ साथ में यहाँ पर टमाटर भी लेके जाएंगे, इस तरह का कलर होना मुझे तो दिल खुश हो जाता है। सारा काम घर का तो मैं करके आई हूँ, कपड़े धो के बर्तन सब कुछ। तो अभी मैं सोच रही हूँ डिनर क्या बनाएंगे बोल के, तो यहाँ पर टमाटर भी 4 किलो ले लेंगे, थोड़ी इधर 3 किलो तो शाम के टाइम पर देखिए यहाँ पर यशनपुर का मार्केट कितना अच्छा लगता है। सुबह खुद भी इतना अच्छा रहता है, फुल ज़्यादा पब्लिक और सब्जी लेने वाले कहाँ से क्या आती हैं यहाँ पर, तो वही देख रही थी। शाम के टेम्पो देख के चिड़िया कैसा उड़ रही, क्लाइमेट है खुश शाम का। तो यशनपुर आने से क्या क्या होना जो भी घर के आइटम वो सब कुछ ले ली हूँ यहाँ पर, मैं ली हूँ मेथी अच्छी है नहीं 30 रुपीज़। ये बनाऊंगी मैं मेथी गोश्त,
पठानकोट से मेरी एक सिस्टर यूट्यूब फैमिली से फ़ोन कर रहे थे करने का अचार होना बोल को, तो इतना प्यार इतना अच्छा। तो यहाँ पर देखिए अभी हम सब कुछ ले लिया, अभी जा रही हूँ मैं घर। माशाल्लाह बाहर आई तो जो कुछ भी ज़रूरत की चीज़ें आती एकदम पूरे ले ले, तो साथ साथ में बार बार आने का नहीं रहता। तो अभी शाम हो गई है, अभी जाऊंगी मैं डिनर बनाऊंगी इंशाल्लाह। घर जाके मैं डिनर क्या बनाती हूँ, तो चलिए चलते हैं घर। तो क्या बना रही हूँ आज मैं स्पेशल, अदरक लहसुन का पेस्ट डाली हूँ आज मैं बना रही हूँ, मेथी और हरी मटर। अदरक लहसुन का पेस्ट लौंग चकला लगे इसमें डालते हैं, तो डेढ़ पाव चावल के लिए सिंपल खुशकाई लेकिन बहुत टेस्टी रहता है, तो अच्छी तरह से पकने देंगे। तब तक मैं यहाँ पर क्या करूँगी मसाले को पीस लूँगी, इसी में मटन भी अच्छी तरह से कुटम कुटी करेंगे। हरे मिर्चों को पहले थोड़ा सा ऑयल में फ्राई कर लीजिए और साथ में नमक और हरे मिर्चें दल को, अदरक लहसुन के बाद हरे मिर्चों को भी पीस लेंगे। अदरक लहसुन इससे जल्दी पीसी थी कि मुझे खाना में डालना था थोड़ा सा, तो यहाँ पर मैं हाफ पंच कथी मिल ली हूँ यानी कि कोरिएंडर हाफ पंच, तो इसमें डाल के मसाले में अच्छी तरह से पीसेंगे जब तक वो बारीक नहीं होता तब तक। मिक्सी में बता जैसा मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ स्टेप बाई स्टेप फॉलो करो, ऐसा ही जैसा मैं बनाती हूँ उसी तरह से आपकी भी मटन हरी फल बहुत टेस्टी बनती है, मेथी मटन हरी फल। तो गरम मसाला भी हमारा रेडी है होममेड, तो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ मैं मटन हरी फल, तो यहाँ पर फिर डाल रही हूँ, उसमें मेथी नहीं डाली थी इसमें मेथी डाल रही हूँ, मेथी का टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है मटन में फ्रेश वाली। तो यहाँ पर देखिए चावल का पानी भी पक रहा है, तो इस तरह से होता है डेली रूटीन मेरा। तो पूरा वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आए तो यहाँ पर चावल भी डाल देंगे। सिंपल खुशखा बना रही हूँ आज मैं, सिर्फ कैरेट और एक आधी प्याज, इसमें लौंग चकला नहीं जाता। तो यहाँ पर देखिए अदरक लहसुन पेस्ट डालना, थोड़े से बटाने कच्चे डालना, बहुत टेस्टी बनता है ये खुशखा, ज़रूर से ट्राई करिए, बच्चों को बड़ों को बहुत पसंद आता है। हल्दी भी डाले, हल्दी नहीं कैरेट का कलर वो। काले मिर्ची भी रखी हूँ और प्याज को भी हम इसे अच्छी तरह से, जब तक मसाला रेडी होता है तब तक हम गैस के ऊपर कुकर को चढ़ा लेंगे और इसमें 2-3 स्पून ऑयल डालेंगे ताकि मेथी अच्छी तरह से फ्राई करने के लिए। पप्पू कई को मेथी फ्राई करना, सो ऑयल में फ्राई करे तो उसका कड़वापन जाकर टेस्टी आती है भाजी। तो मसाला पीसने के बाद इस तरह से मटन अच्छी तरह से मसाले में कूट लेंगे। देखिए यहाँ पर अगर ये झुको रहती है तो ये झोले रहती है उन चाकू नहीं खा सकते, तो इस तरह से हरी फल बना के दीजिए, बहुत टेस्टी बहुत अच्छी बनती है। और शिल्पो कूटने की फल तो बहुत, देखिए यहाँ पर उड़ गया है एक मटन, जिनके घर में सिल नहीं है तो कुटानी तो रहती है ना, वो कुटानी में भी कूट को मसाले में मिक्स कर लियो मिक्सी में पीस को, सिल है ये बोल को बचपन से हमारे मम्मी ऐसा बनाते थे। तो सारे मटन के पीसेस को कूट लेंगे, यहाँ पर मेथी भी अच्छी तरह से फ्राई हो रही है, फ्लेम पर 10 मिनट भूनिए अच्छी तरह से। इसी क्या भी नहीं करना है, इसे कूटो नको डाला लो गल कर मटन, ये ताबने नहीं होता ना उनके वास्ते। जब मेथी भूनते रहते हैं तब उसमें 1 स्पून हल्दी डाला लो। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से भूनने के बाद मेथी भी ऑलमोस्ट भून चुकी है, अभी जो मटन पीस के कूट के लाई हूँ इसमें मिला देंगे अच्छी तरह से। और मेन टाइम नमक भी चेक कर लीजिए इसी टाइम पर, अगर पक गया ना मटन तो फीका हो जाता है टेस्ट चल जाता है। तो एक टमाटर भी कट करके डाल देंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप नमक और तेज़ आपके हिसाब से डाल लियो। तो यहाँ पर खाना भी दम हो रहा है, बहुत सिंपल खुशकी की रेसिपी दिखाई हूँ बहुत टेस्टी रहता है। यहाँ पर एक टमाटर भी मैं पीस के थोड़ा सा ग्रेवी रखूँगी
था कि खुशके में खाने के लिए। इसमें कोकोनट कच्चा खोपरा मैं नहीं डालूंगी। तो यहाँ पर देखिए, जब भी खुशका बनाती हूँ थोड़ा सा नरम रह दे, ज़्यादा इसे फरारा नहीं बनाना। अब एक दो मिनट दम पे छोड़ेंगे। माशाल्लाह ज़रा यहाँ पर टमाटर पीस के रखी थी ना, वो भी डाल देंगे। तो इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करके नमक चेक कर लियो। गरम मसाला ज़्यादा नहीं डालना ये, क्योंकि तो हमारा स्ट्रांग रहता है ना आस्ते। गरम मसाला ये घर के लिए बनाई हूँ। काली मिर्ची डालना थोड़ा सा, क्योंकि हमें हरी मिर्च कम डालते ना उसके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चार सीटी आने के बाद यहाँ पर कुकर का ढक्कन खोल देंगे। जब बनता है तभी खुलना, अगर को नहीं 10 मिनट के बाद खोल रही हूँ मैं। दम पे छोड़ना फौरन, कुकर का ढक्कन नहीं खोलना मेरी टू फैमिली, टेस्ट नहीं आता। तो यहाँ पर देखिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा मुझे ग्रेवी चाहिए था उसी तरह से मैं बनाई हूँ। आप सिल में पीसो मिक्सी में पीसो, हिसाब किताब बराबर है तो आपकी सिल में मिक्सी में भी इसी तरह से बना सकती। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र एहसान। यहाँ पर हमारा मज़ेदार सिंपल से डिनर बन के तैयार है। आज सारा दिन का रूटीन आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिए, वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है आपको आज, क्योंकि सारा दिन का रूटीन दिखाई तो कितनी मेहनत लगती है आपको तो मालूम है ना। आइए मेरी टू फैमिली, बिस्मिल्लाह शुरू करेंगे। गरम को तोड़ने भी नहीं हो रहा है, गरम कूटे से बोलते हुए कैसा रहता है, मलाई मलाई कैसा कर रहता है आपके लिए, काश आपको खिला पाती मैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिए।